तो आज मैं यहाँ पर बना रही थी भरवा भिंडी। भरवा भिंडी की ये रेसिपी मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, साथ ही मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी साइज की भिंडी पिक की थी मार्केट से, बहुत ही बढ़िया भिंडी में लेकर आई थी। भिंडी को लाने के बाद अच्छे से वॉश करिए, ध्यान रखिए कि इसमें पानी ना रहे, पानी से पहले छान कर रख लीजिए। उसके बाद से भिंडी को लंबे में चीरा लगाइए। इससे एक फायदा होता है कि भाई जो अंदर कीड़े वगैरह हैं वो भी हमें दिख जाते हैं, और भिंडी हमारी ज्यादा कड़क तो नहीं है। अगर भिंडी ज्यादा कड़क है, आपको लग रहा है काटने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी भिंडी को साइड कर दीजिए। जितनी ही सॉफ्ट भिंडी होगी हमारी ये रेसिपी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है वही है कि सारी भिंडी को अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद से हमने लिया है 2 से 3 प्याज, उसको पीसेज में चॉप किया है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है। सारी चीजों को मैंने रफली चॉप किया है, वॉश किया है, और उसके बाद से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉपर में। सबसे पहले मैंने चॉपर में एक साथ सारी चीजें डाल दी, पर चॉपर मुझसे चला ही नहीं। फिर मैंने दोनों मतलब दो बार में इसको किया था, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्लेट में वापस से निकाल दिया है। चॉपर से कर सकते हैं इस काम को, मिक्सी में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चॉपर से किया था। क्या होता है जब दरदरी सी अदरक, हरी मिर्च या फिर लहसुन वगैरह हमारे मुंह में आते हैं खाते समय, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज्यादा पिसी हुई चीज तो नॉर्मल मसाले का ही स्वाद देती है, तो मैंने यहाँ पर इसको दरदरा दिया था। अब यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से चॉप कर लिया है, उसके बाद से कुछ मसाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, उसके साथ ही है हल्दी का पाउडर, इसके अलावा है जीरे का पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और अमचूर का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। ये सारी चीजों को मैंने अंदाजन ले लिया है। मैं यहाँ पर आधे किलो भिंडी के हिसाब से भरवा मसाला बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को लिया है। इसके बाद से जो एक चीज और इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों अचार का मसाला। कोई सा भी पुराना अचार घर में पड़ा हो उसका मसाला और तेल दोनों ही ले लीजिए। इससे टेस्ट इतना ज्यादा डिफरेंट आएगा ना कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि भरवा भिंडी इतनी ज्यादा टेस्टी भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे, अब कुछ भी मिक्स नहीं करना, हमारा भरवा भिंडी का मसाला बनकर तैयार है। अब नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग भिंडी को भरते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा मसाला उठाते हुए भिंडी को भरेंगे। बहुत ज्यादा ठूस ठूस का मसाला नहीं भरना है कि भिंडी पड़ जाए, बहुत ही लाइट लाइट से मसाला मैं भर करूंगी, क्योंकि हम थोड़ा सा मसाला भरवे भिंडी के लिए अलग भी बचाते हैं, जिससे क्या होता है भरवे भिंडी में ऊपर एक मसाले की लेयर बनती है। तो यहाँ पर जो है सारी भिंडियों को पहले मैं भर कर रख लूंगी, उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। और हाँ, जब आप मसाला तैयार करें तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मसाला आपको बचा कर रखना है, जिससे हमारे ये जो भरवा भिंडी है इसकी एक अलग सी ग्रेवी सी तैयार हो सके। तो यहाँ पर थोड़ा मसाला मैंने भी बचा लिया है। अब इसके बाद से ली है एक कढ़ाई, कढ़ाई थोड़े से चौड़े मुंह की लेंगे जिससे भिंडी हमारी टूटती नहीं है, कोई पैन भी ले सकते हैं, मैंने चौड़े मुंह की कढ़ाई ली है। इसमें डाला है दोस्तों सरसों का तेल। सरसों का तेल में बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब कुछ चीजों का तड़का लगाइए, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जीरे का तड़का। जीरे के साथ ही थोड़ी सी राई डाली है, दोनों चीजों को तड़का लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो मसाला बचा था वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और चूंकि बर्तन भी बहुत ज्यादा मसालेदार था तो उस बर्तन को भी वॉश करके थोड़ा सा जो पानी है वो हम यहाँ पर लेंगे। अब इस मसाले को हम फ्राई करेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से फ्राई करना है, धीमे धीमे आंच पर। जितनी ही धीमी आंच पर फ्राई करेंगे उतना ही बढ़िया मसाला हमारा बुनकर तैयार होगा। ये देखिए ऑयल जो है ओज आउट होने लगा है। अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, दही लेंगे, एकदम फ्रेश वाली दही लेनी है। 2 बड़े चम्मच दही को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अभी मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है। ये दही के मसाले में जब हल्का सा उबाल आएगा तब इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अभी आपको दिख रहा है ना, ये ऑयल हल्का सा ऊपर आने लगा है, मसाले में एक बुदबुदाहट सी आ गई है। मसाला यानी कि हमारा पककर तैयार है। अब इसके बाद से हमने जो भिंडी को भर कर रखा था, आ गया है उनको डालने का टाइम। तो यहाँ पर सारी भिंडियों को एक एक करके डालेंगे। भिंडी को डालते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि मसाले के ऊपर ऊपर ही डालें, भिंडी को कोशिश करें कि वन बाय वन ही रखें, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा सटा कर ना डालें। क्योंकि भिंडी थोड़ी सी ज्यादा थी तो मेरी जो लास्ट की 4 से 5 भिंडियां थी वो एक दूसरे के ऊपर आ गई थी, बाकी मैंने पूरी कोशिश करी थी इनको फैला कर रखने की। तो दोस्तों ये भरवा भिंडी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत ही आपको पसंद आएगा। बहुत ही हल्का सा पानी भिंडी के बर्तन से निकालकर, और उसके बाद से लगाएंगे ढक्कन और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में सारी भिंडी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और एक ग्रेवी नुमा सा हल्का सा लिक्विड रिलीज हो जाता है भिंडी से। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, फ्लेम को करना है मीडियम। मीडियम फ्लेम पर सारी भिंडी को हल्का हल्का सा फैलाते हुए भिंडी को अभी हम और फ्राई करेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते हुए फ्राई करेंगे
तो आप देख रहे हैं भिंडी कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाती है। 5 से 7 मिनट सफिशियंट होते हैं भिंडी को और ज्यादा फ्राई करने के लिए। भिंडी हमारी जो भरवा भिंडी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये जो भरवा भिंडी होती है पराठे से रोटियों से बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब लगा लेते हैं आज की अपनी खाने की थाली। भरवा भिंडी की प्लेट लग रही है। साथ ही आज की थाली के लिए मैंने बनाया था मैंगो और सेवई की खीर, जिसको मैंने रेसिपी नहीं शूट करी थी। मुझे लगा खीर की रेसिपी तो क्या ही शूट करने। साथ ही मैंने रोटियां बनाई थी। लीजिए दोस्तों हमारी बहुत ही प्यारी सी टेस्टी सी थाली बनकर तैयार है। आप भी इंजॉय करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय।